Hello friends, in this video segment we will discuss about the types of fruit. हम लोगों ने introduction of fruit को देख लिया था. इस video segment में हम लोग types of fruit को discuss करेंगे. और यहाँ पे false fruit, true fruits के बारे में हम लोग already discuss कर चुके हैं. तो आइए देखते हैं types of fruit के बारे में. फ्रूट के तीन प्रकार हैं, तीन टाइप्स हैं, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट एंड कंपोजिट फ्रूट. तो तीन प्रकार के फ्रूट हैं. इसमें सिंपल फ्रूट में सिंगल फ्लावर है, मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस. तो इसकी जो ओवरी होगी या तो मोनोकार्पेलरी होगी, अगर पॉलीकार्पेलरी है तो सिनकार्पस होगी. एपोकार्पस कंडीशन आपको सिंपल टाइप ऑफ फ्रूट में नहीं मिलता है, ठीक है. तो मोनोकार्पेलरी ओवरी मिलेगी या पॉलीकार्पेलरी मिलेगी तो सिनकार्पस ओवरी होगी. एग्रीगेट में भी आपको सिंगल फ्लावर मिलता है, पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन होता है. कार्पेल अगर बहुत ज्यादा है, पॉली कंडीशन है, तो वो एपोकार्पस में होंगे, वहां पर फ्यूजन नहीं होगा, सिनकार्पस नहीं होगा एग्रीगेट फ्रूट में. जबकि कंपोजिट फ्रूट पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है. तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है सिंपल फ्रूट में, एग्रीगेट फ्रूट में और कंपोजिट फ्रूट में. सिंपल फ्रूट सिंगल फ्लावर, एग्रीगेट फ्रूट सिंगल फ्लावर, कंपोजिट फ्रूट पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है. मोनोकार्पेलरी है, पॉलीकार्पेलरी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर सिंपल फ्लावर में, सिंपल फ्रूट में आपको सिनकार्पस कंडीशन देखेगा. जबकि एग्रीगेट में सिंगल फ्लावर है लेकिन पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन मिलता है. तो फ्रूट आपको पता है ओवरी से डेवलप होगा और सीड ओब्यूल से बनता है. तो आइए आगे बढ़ते हैं. सिंपल फ्लावर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज ड्राई पेरिकार्प अनडिफ्रेंशिएटेड एंड सकुलेंट, जिसमें कि पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड होता है. पेरिकार्प अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब है कि जहां पे आप इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जबकि सकुलेंट या सकुलेंट सिंपल फ्रूट में आप पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प के अंदर. तो ये मेजर डिफरेंस है. तो ड्राई सिंपल फ्रूट एंड सकुलेंट सिंपल फ्रूट, ये दो टाइप हैं सिंपल फ्रूट के. आगे मूव करते हैं. द ड्राई सिंपल फ्रूट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एकिनिरियल, कैप्सुलर एंड साइजोकार्पिक. तो एकिनियल फ्रूट, कैप्सुलर फ्रूट एंड साइजोकार्पिक फ्रूट, ये तीन तरह के डिवीजन हैं सिंपल के, ड्राई सिंपल फ्रूट में. एकिनियल क्या है? सिंगल सीडेड, सिंगल सीडेड है. कैप्सुलर मेनी सीडेड होता है और साइजोकार्पिक भी मेनी सीडेड है. दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लेते हैं हम लोग डेहिसेंस और इनडेहिसेंस का. तो इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेहिसेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेहिसेंस. डेहिसेंस का मीनिंग होता है कि जैसे अगर आपका कोई फ्रूट है वो खुद से अपनी सीड का डिस्पर्सल कर दे, सूख जाए और वहां पे डिस्पर्सल हो जाए फ्रूट का, तो सच कंडीशन इज कॉल्ड डेहिसेंस कंडीशन. अगर फ्रूट खुद से जो है डेहिसेंस नहीं कर रहा है या खुद से डिस्पर्सल ऑफ सीड नहीं हो रहा है, उसको आप रख दीजिए, वो डिकम्पोजिशन हो जाए उसका, उस पर डिकम्पोजिशन मतलब सूखने के बाद डिकम्पोज हो रहा है उसको, हमारे जो है डिकम्पोजर्स लाइक वायरसेस बैक्टीरिया उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और फिर सीड का डिस्पर्सल हो रहा है, सड़ जाने से सीड का डिस्पर्सल हो रहा है, या कोई एनिमल उसको खा लेता है और खाने के बाद सीड का डिस्पर्सल कर देता है, उनके डंग के द्वारा निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन को डेहिसेंस कंडीशन, इनडेहिसेंस कंडीशन कहते हैं. डेहिसेंस जहां खुद से हो जाए, जैसे कि आप भिंडी ले आते हो, भिंडी अगर आपने अपनी कहीं क्यारी में लगाया हुआ है तो भिंडी आप देखोगे कि सूख जाएगी जब, तो खुद से फट जाती है और खुद से फटकर उसके सीड का डेहिसेंस, उसके सीड फैल जाते हैं और
वो सच कंडीशन इज कॉल्ड डेहिसेंस कंडीशन. इन डेहिसेंस में ऐसा नहीं होगा, दैट इज आइदर डिकम्पोजिशन से होगा, सॉरी आइदर डिकम्पोजिशन से होगा या जो है किसी एनिमल के द्वारा किया जाएगा. तो इनडेहिसेंस, एकिनियल फ्रूट इनडेहिसेंट फ्रूट होता है. इनडेहिसेंट का मतलब है कि इसमें खुद से डिस्पर्सल ऑफ सीड नहीं होगा. कैप्सुलर में डेहिसेंट होगा, जबकि साइजोकार्पिक में ब्रेकअप इंटू सिंगल सीड, मतलब बहुत सारी सीड होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि आपने टैमरिन में देखा होगा. तो टैमरिन में बहुत सारी सीड्स होती हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वहां पे. इमली देखा होगा आपने, दिखता है वहां पे. तो वहां पे सिंगल सिंगल सीड अलग होती हैं. तो जब सिंगल सिंगल सीड, ब्रेकअप इंटू सिंगल सीड, ब्रेकअप इंटू सिंगल सीड, और ये डेहिसेंस करें, ऐसा डेहिसेंस हो, तो सच फ्रूट इज कॉल्ड, जिस फ्रूट में ऐसा डेहिसेंस हो रहा है, सच फ्रूट इज कॉल्ड साइजोकार्पिक फ्रूट. ऐसे फ्रूट को साइजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. अभी हम यहां पे केवल एग्जांपल को देख लेंगे कि क्या क्या एग्जांपल है. एकिनियल फ्रूट का क्या एग्जांपल है? एकिन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट और समारा. एकिन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट और समारा, ये एकिनियल फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है, तो इनके एग्जांपल, इनको हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो इसको याद रख लीजिए. कैसे आप याद रखेंगे? एकीन का सिम्टम नहीं देख नहीं समझा, ठीक है ना, एकीन का सिम्टम नहीं समझा. तो एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट एंड समारा. कैप्सुलर, कैप्सुलर के एग्जांपल हैं जो कि डेहिसेंट है, लेग्यूम, कैप्सूल, फॉलिकल, सिलिक्युआ एंड सिलिकुला. लेग्यूम, तो इसको याद कर लीजिए, कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए. लेग को कैप्चर करके फोड़ दिया सीसी, लेग को कैप्चर करके फोड़ दिया सीसी, तो ऐसा ऐसा आप कुछ बना सकते हैं. साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक में लोमेंटम है, रेग्मा है, क्रीमोकार्प है, कार्सेरुलस है, कंपाउंड समारा है. तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए कोई सेल लगी हुई है, जैसे दिवाली का मौका है और उस पर सेल लगी हुई है, तो कोई कंपनी कहती है लो रे क्रीम कार कंप्यूटर का समान, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लो रे क्रीम कार कंप्यूटर का समान. तो लो से लोमेंटम, रे से रेग्मा, क्री से क्रीम से क्रीमोकार्प, कार से कार्सेलुलस, कंपाउंड कंप्यूटर का समान से कंपाउंड समारा. तो ये याद रख लीजिएगा. अक्सर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंपाउंड समारा, कंपाउंड समारा किसका एग्जाम्पल है? तो एकिनियल जो है, एकिनियल के बाद कैप्सुलर और कैप्सुलर के बाद साइजोकार्पिक का उदाहरण है. तो एकिनियल, कैप्सुलर और साइजोकार्पिक के ड्राई सिंपल फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके सब टाइप्स आपने देख लिए. दूसरे तरह का फ्रूट है सकुलेंट. सकुलेंट भी तीन तरह के हैं, बेरी, ड्रूप एंड पोम. बेरी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, पेपरी इंडोकार्प, पेपरी इंडोकार्प मिलेगा यहां पे, और पल्पी इंडोकार्प. दो तरह के बेरी हो सकते हैं. पेपरी इंडोकार्प आपको डेट में मिलता है, डेट छुहाड़ा अगर आप देखेंगे तो उसके सीड के ऊपर एक पेपरी इंडोकार्प प्रेजेंट होता है. पल्पी इंडोकार्प का एग्जांपल है बेरी का टोमेटो, ब्रिंजल, मल्टीपल सीड्स आर देयर, बट पल्पी इंडोकार्प, उसका इंडोकार्प पल्पी होता है. तो इंडोकार्प, मिजोकार्प, एपिकार्प, अब याद रखिए इन्हीं तीनों के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो रहा है. ड्रूप, ड्रूप में आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ड्रूप देखिए, ड्रूप में सिंगल सीड होगा, हार्ड स्टोनी इंडोकार्प उसको कवर किया होगा, उसके ऊपर जो आपका मिजोकार्प है, दैट मिजोकार्प इज मोस्टली एडिबल. ठीक है, तो एलमंड, मैंगो, कोकोनट, ये सब ड्रूप के एग्जाम्पल. अब ड्रूप में मिजोकार्प एडिबल नहीं होता है, सॉरी कोकोनट में मिजोकार्प एडिबल नहीं है, मैंगो में तो मिजोकार्प एडिबल है, लेकिन कोकोनट में उसका इंडोस्पर्म एडिबल होता है. इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो, इंडोस्पर्म भी दो तरह के हैं, वाटरी एंड सेमी सॉलिड या सॉलिड इंडोस्पर्म. जो आप पानी पीते हो वो वाटरी इंडोस्पर्म है, फ्री इंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, और जो उसका सॉलिड पार्ट आप खाते हो वो सेलुलर इंडोस्पर्म है. जीजीपस, प्लम और पीच, इसमें भी सिंगल सीड होता है. जीजीपस का मतलब बेर,
प्लम और पीच इसमें भी होता है, इसको अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसको मैंने अलग कलर से इसलिए किया है कि यहां पे हम लोग इसका इपिकार्प भी खाते हैं। मैंगो में इपिकार्प आप नहीं खाते हो, जिसका छिलका निकाल देते हो। पोम लास्ट है, पोम, और इसका एग्जाम्पल है एप्पल एंड पियर। ठीक है, तो यहां पे ये जो पोम है, एप्पल में आप देखोगे कि एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है, थैलमस खाया जाता है, अंदर जो इसका सीड है दैट इज कवर्ड बाय द इंडोकार्प मेम्ब्रेन, वो आपको मिलता है, थोड़ा सॉलिड अंदर पोर्शन होता है, अभी डिटेल में हम लोग जाएंगे। तो पोम, एप्पल और पियर इसका एग्जाम्पल है। तो ये चार्ट एक बार आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट में इटेरियो, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे फ्रूट एग्रीगेट हो, क्लम एक तरह से क्लब हो जाएं एक जगह पे, तो सच इज कॉल्ड इटेरियो या ग्रुपिंग, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ फ्रूट। ओके, तो इटेरियो ऑफ एकीन का एग्जाम्पल, एकीन क्या है, एकीन कंडीशन अभी आपको हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो जब ऐसे बहुत सारे एकीन का एग्रीगेशन हो जाए तो ऐसा कंडीशन आपको स्ट्रॉबेरी में मिलता है। इटेरियो ऑफ बेरी, बेरी लाइक कंडीशन, यानी बेरी बहुत सारी ग्रुपिंग हो जाए, मल्टीपल फ्रूट्स हो, तो ये मिलता है आपको कस्टर्ड एप्पल में। कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा जो आप खाते हो, ऊपर से ग्रीन होता है, अंदर से आपको व्हाइटिस मटेरियल मिलता है और सीड के ऊपर जमा होता है। इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ ड्रूप का एग्जाम्पल है ब्लैकबेरी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफ्लोरेसेंस यानी कंपोजिट फ्रूट, जहां की पूरा का पूरा इनफ्लोरेसेंस फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, उसमें सोरोसिस है और साइकोनस है, दो तरह के। सोरोसिस में तीन है, स्पाइक, सोरोसिस का स्पाइक एक टाइप है, और स्पाइक इनफ्लोरेसेंस जो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है पाइनएप्पल में ऐसा मिलता है। पाइनएप्पल फ्रूट स्पाइक इनफ्लोरेसेंस से बना है, ये याद रखिए। क्या पाइनएप्पल में क्या एडिबल पोर्शन है वो अभी हम लोग देखेंगे। मलबेरी, मलबेरी में कैटकिन, कैटकिन इनफ्लोरेसेंस से मलबेरी बन रही है। कैटकिन आपको याद होगा, मैंने बताया था पेडुलस पेडेंकल मिलता है यहां पर, और इनफ्लोरेसेंस एक बार देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कैटकिन के बारे में। लास्ट है स्पैडिक्स, स्पैडिक्स इज जैक फ्रूट, इसका एग्जाम्पल जैक फ्रूट है। तो ये पूरा पूरा चार्ट एक बार याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। अब इसको एक एक करके छोटे छोटे करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें। अच्छा, साइकोनस में एक चीज छूट गई है। साइकोनस का एग्जाम्पल हाइपोथेडियम है, और उसका एग्जाम्पल है फिग, अंजीर। अंजीर में आपको ऐसा इनफ्लोरेसेंस पूरी तरह से एक तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उस कप में सारे फ्लावर्स अंदर, मेल फीमेल सारे फ्लावर्स अंदर बंद हो जाते हैं। अंजीर इसका उदाहरण है, फिग इसका उदाहरण है साइकोनस का, साइकोनस इनफ्लोरेसेंस दैट इज फाउंड विद द हाइपोथेडियम। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये देखिए, ये अंजीर है, और इसमें आपको फीमेल फ्लावर भी मिलेगा, गाल फ्लावर भी मिलेगा, मेल फ्लावर भी मिलेगा, और ये देखिए कप लाइक स्ट्रक्चर में बिल्कुल बंद हो गया है। ओके, तो दिस इज फिग, हाइपोथेडियम, याद रखिएगा हाइपोथेडियम पूछा जाता है। एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट में नेम, टाइप और फ्लैशी पार्ट, ये हम लोग देखेंगे कि किस क्या फ्रूट है और उसका क्या टाइप है, किस तरह का है और क्या उसका एडिबल पार्ट है, फ्लैशी पार्ट है। वीट, वीट इज अ टाइप ऑफ कैरियोप्सिस। तो अभी हम लोगों ने कैरियोप्सिस देखा, किस कैरियोप्सिस किस में था एक बार देख लीजिए फिर से। कैरियोप्सिस कहां पे, यहां पे एकीनियल फ्रूट का सब टाइप्स है, ठीक है ना। तो इट इज अ सब टाइप ऑफ एकीनियल फ्रूट कैरियोप्सिस। तो इसका इंडोस्पर्म और इम्बियो एडिबल पार्ट है, फेसी पार्ट है। मेज, मेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैरियोप्सिस, इंडोस्पर्म और इम्बियो खाया जाता है। राइस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस एक तरह से देखें तो ग्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, और इंडोस्पर्म और इम्बियो खाया जाता है ग्रेन्स में। तो वीट, मेज, राइस ये ग्रेन्स हैं, और इसमें कैरियोप्सिस टाइप है, और इंडोस्पर्म और इम्बियो खाया जाता है, याद रख लीजिए।
आगे मूव करते हैं लीची। लीची एक नट है, नट टाइप ऑफ फ्रूट है, और फ्लैसी पार्ट इसका एरिल है। एडिशनल इंटेगमेंट दैट इज फ्यूनिकल, इसके पास एडिशनल इंटेगमेंट मिलता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। कैस्यूनट, कैस्यूनट इज ऑल्सो अ नट, और इसका सीड और थैलेमस खाया जाता है। कैस्यूनट इज अ नट और इसका सीड और थैलेमस खाया जाता है। टोमेटो, टोमेटो बेरी है, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा सब खाया जाता है टोमेटो का। ग्रैप्स, ग्रैप्स भी बेरी है, इसका पेरिकार्प और प्लेसेंटा इसका भी खाया जाता है। गुआवा, गुआवा में इंफीरियर बेरी है, इसको इंफीरियर बेरी कहते हैं। थैलेमस, पेरिकार्प, प्लेसेंटा सब खाया जाता है। अब देखिए थैलेमस आ गया, इसका मतलब है कि गुआवा इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, गुआवा इज अ फॉल्स फ्रूट, थैलेमस आया यहां पर। बनाना, बनाना इंफीरियर बेरी, मीजोकार्प और इंडोकार्प खाया जाता है, इपिकार्प छिलके के रूप में होता है। ओके, ऑरेंज, ऑरेंज हस्पिरेडियम का उदाहरण है, और हेरी प्लेसेंटा यहां पे मिलते हैं, और हेरी प्लेसेंटा खाई जाती है, जो हेरी प्लेसेंटा होती है उसी खाया जाता है। डेट पाम बेरी है, पेरिकार्प खाया जाता है। मैंगो ड्रूप है, इसका मीजोकार्प खाते हैं। ओके, कोकोनट ड्रूप है, इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो खाते हैं। एप्पल पोम है और इसका थैलेमस खाया जाता है। पियर भी पोम है, थैलेमस खाया जाएगा। कस्टर्ड एप्पल अभी आपने देखा है, इटेरियो ऑफ बेरी है और इसका पेरिकार्प खाया जाता है। ये सब आपको समझ में आएगा अभी जब हम इसके डिटेल में चलेंगे। जैक फ्रूट सोरोसिस, ठीक है, जैक फ्रूट सोरोसिस है, अभी आपने देखा था इनफ्लोरेसेंस वाले में, कंपोजिट फ्रूट में ब्रैक्ट, पेरियंथ और सीड, सीड भी खाया जाता है भाई जैक फ्रूट के, ऐसा नहीं है कि उसका सीड नहीं खाया जाता, सब्जी बनती है सीड की। पाइनएप्पल सोरोसिस, पाइनएप्पल भी सोरोसिस का उदाहरण है, आउटर पार्ट ऑफ थैलेमस खाया जाता है। फिग साइकोनस का उदाहरण है, अभी आपने अंजीर की फोटो देखी थी, फ्लैसी थैलेमस खाया जाता है इसमें। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमने डिवीजन किया है सिंपल और कंपाउंड का। देखिए हम लोग ने क्या किया कि मेन फ्रूट को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिंपल में, एग्रीगेट में, और जो है कंपोजिट में। एग्रीगेट के बहुत सारे उदाहरण नहीं है, एग्रीगेट में क्या हो रहा है कि इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ बेरी, इटेरियो ऑफ, तो इटेरियो का मतलब होता है कि जुड़ना। उसके उदाहरण एग्जाम्पल हैं, सॉरी उसके एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट हैं। और कंपोजिट में फिग आपने देख लिया, जैकफ्रूट देख लिया जो कि इनफ्लोरेसेंस से बन रहा है, तो वहां से एग्जाम्पल खत्म हो गए। हम लोगों को समझना क्या है, समझना है हम लोगों को सिंपल ड्राई और सिंपल सकुलेंट। तो ये दो पार्ट होंगे नेक्स्ट दो पार्ट जिसमें हम लोग इसको समझेंगे। ओके, तो फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो सेगमेंट इट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने लाइक्स जरूर करिएगा। इन द लास्ट, धन्यवाद।